हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि गेट का है, और इस गेट में जो आपका जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूँ। तो इस अपडेट में हम लोग देखेंगे कि जो गेट का जो प्रीवियस सिलेबस था, उसमें जो है इस बार कुछ न्यू चैप्टर्स या कुछ न्यू टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो हम लोग ने ये बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो देखा रखा है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें और आप मेरे सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, ये गेट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया है। तो इसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सेक्शन है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इसमें लीनियर एलजेब्रा, कैलकुलर, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड, तो ये जो है ये चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, जो जनरल बायोलॉजी से है, तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इन्होंने देखिए बायोकेमिस्ट्री में क्या किया है, मेम्ब्रेन चैनल्स एंड पंप्स और जो मॉलिक्यूलर मोटर्स, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उसे इंक्लूड कर दिया है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। वहीं अगर बात की माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन मेराइन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, माइक्रोबियल इंटेक्शन और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इन चैप्टर्स को भी, या और बोल सकते हैं इन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर दिया है इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में। वहीं अगर बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी में टी सेल एंड बी सेल डेवलपमेंट और इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन, इन दोनों चैप्टर्स को या टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है इम्यूनोलॉजी के अंदर, क्योंकि कोविड की वजह से इन्होंने जो है इन सब पे जो है मोर फोकस किया है, इसीलिए उन्होंने इन चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो है ये आ गया आपका जनरल बायोलॉजी सेक्शन में। तो इतना चेंजेस हुआ है, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल है। तो अगर आपने नया सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो नया सिलेबस डाउनलोड करिए, और जो मैंने हाईलाइट करके दिया है आपको इन सब सब्जेक्ट्स को या इन सब जो टॉपिक्स है उन्हें आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें सेक्शन 3 की, जो जेनेटिक्स, सेलुलर, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को, एपिजेनेटिक्स, सेलेक्शन एंड इनहेरिटेंस, एडेप्टिव एंड न्यूट्रल इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसीज एंड स्पेसिएशन, तो इन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनल बायोलॉजी में। वहीं अगर बात करें सेल बायोलॉजी में, तो सेल बायोलॉजी में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, सेल डेथ एंड ऑटोफेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर बात करें सेक्शन 4 की, जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, तो इसमें देखिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें पूरा जो है नया टॉपिक इंक्लूड कर दिया इन्होंने। तो आपको ये जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड बायो एनर्जेटिक, ये भी देखिए पूरा इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, और जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस है वो भी इन्होंने, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एडिशनल सब्जेक्ट एडिशनल इसका हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक ये नहीं था, तो इस टाइम इन्होंने इन सबको इंक्लूड कर दिया है। वहीं अगर बात करें सेक्शन 5 की, तो सेक्शन 5 में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, ये सिलेबस है पुराना जैसा ही है, लास्ट ईयर जैसा ही है। वहीं अगर बात करें सेक्शन 6 की, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसमें देखिए प्लांट्स में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल सीड्स, सोमोक्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमेटिक हाइब्रिड एंड हाइब्रिड ट्रांसजेनिक प्लांट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक, सिलेक्शन मार्कर रिपोर्ट एंड रिपोर्टर जीन, प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। वहीं अगर बात करें एनिमल्स में, तो नॉकआउट और नॉक इन एनिमल्स का जो टॉपिक है वो इंक्लूड कर दिया है एनिमल्स में। वहीं अगर बात करें माइक्रोब्स की, तो देखिए पूरा जो चैप्टर है इन्होंने पूरा चैप्टर ही बना दिया है माइक्रोब्स के लिए, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, एंटीबायोटिक, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड मेटाबोलाइट, क्लिनिकल फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखिए माइक्रोब्स का जो है पूरा इन्होंने एक
सेक्शन बनाया है और उस सेक्शन में जो है इतने टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो लास्ट टाइम से अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम में जो सिलेबस थोड़ा कम था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, जो सिलेबस को थोड़ा डिटेल में कर दिया और थोड़ा बढ़ा दिया है। वहीं अगर बात की सेक्शन 7 की, तो देखिए सेक्शन 7 में जो की है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने जो एक टॉपिक इंक्लूड किया है वो स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो इन्होंने इस चैप्टर को जो है या इस टॉपिक को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको इन पूरे टॉपिक्स के साथ साथ आपको ये भी नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है। इसके अलावा हम बात करें मॉलिकुलर टूल की, तो देखिए मॉलिकुलर टूल लास्ट टाइम भी था, तो इसके बाद इन्होंने क्रिस्पर कैस जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग के लिए उसको भी इंक्लूड करा है, और साथ ही साथ बायोसेंसिंग और बायोसेंसर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर टूल में एक एडिशनल टेक्निक को इन्होंने यूज कर दिया जो कि क्रिस्पर कैस, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं जो क्रिस्पर कैस जीन एडिटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो क्रिस्पर कैस पे जो काम हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन्होंने क्रिस्पर कैस को भी इंक्लूड कर दिया है, साथ ही साथ जो बायोसेंसिंग और बायोसेंसर्स है उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इन सब के लिए आपको जो है कुछ रेफरेंस बुक आपको रिफर करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं या कोई भी रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं जिनमें इन टेक्निक का यूज किया गया हो, ताकि आपको उसका थोड़ा डिटेल नॉलेज आपको मिले। वहीं अगर बात करें एनालिटिकल टूल्स में, तो देखिए एनालिटिकल टूल्स में इन्होंने कुछ एडिशनल टेक्निक यूज की है जैसे माइक्रो एरे, ठीक है। वहीं एंजाइमेटिक एसेज, इम्यूनो एसेज, एलाइजा, आरआईए, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनो ब्लॉटिंग, फ्लो साइटोमेट्री, होल जीनोम एंड चिप सीक्वेंसिंग, तो ये सब जो टेक्निक्स है उन्होंने एनालिटिकल टूल्स में इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इंक्लूड कर दी है। तो आपको ये सेपरेट सेपरेट टेक्निक जो आपको पढ़ना है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पाथफाइंडर की जो बुक है बायोफिजिक्स ही, उससे आप जो है ये जो टेक्निक्स है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके विल्सन वॉकर है तो आप उस बुक को भी रिफर कर सकते हैं इन टेक्निक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल टूल, ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटेशनल टूल में भी कुछ एडिशन किए हैं टॉपिक्स का, जैसे जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, जीन प्रेडिक्शन, फंक्शनल एनाटोशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थ्री स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, नॉलेज डिस्कवरी इन बायोकेमिकल डाटाबेसेज, मेटाजिनोमिक्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिस्टम बायोलॉजी। तो इन्होंने ये जो कंप्यूटेशनल टूल है उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो इस बार मैं बोल सकता हूँ कि जो सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल में कर दिया और बहुत ही लार्ज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने इस बार क्या किया, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इस बार का मे भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इन सबके लिए आप जो है रेफरेंस बुक्स जो है वो आप प्रिफर कर सकते हैं। तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कौन कौन सी रेफरेंस बुक है वो आप इन सेक्शन को दे सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने CSIR नेट के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था CSIR JRF नेट और गेट, और मैंने कौन कौन सी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो मैंने फॉलो की थी, और स्ट्रेटजी और टिप्स भी मैंने वहां पे बताए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को वहां पे जाके देख सकते हैं, और जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी वहां से आप जो है वो रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया कि क्या क्या चेंजेस आए गेट बायोटेक्नोलॉजी जो सिलेबस जो कि गेट ने ऑफिशियली अनाउंस किया, तो इनमें इतने जो जो भी ये आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं येलो कलर से, ये सब जो है न्यू चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आप ये जो पूरा सिलेबस है इसे डाउनलोड करिए, इसे अपने पास रखिए, और फिर टॉपिक वाइज जो है आप जो है इस टॉपिक्स को पढ़िए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इजिली आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकें। तो चलिए मेरा एक छोटा सा ये वीडियो था, तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।